डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा ने फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। प्रकाश की फिल्म जंजीर ने अमिताभ को रातों रात हीरो बना दिया था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा ने फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। प्रकाश की फिल्म जंजीर ने अमिताभ को रातों रात हीरो बना दिया था। फिल्म की सफलता के बाद से अमिताभ को एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा था। उस समय अमिताभ इंडस्ट्री में नए थे और प्रकाश उन पर कोई दाव नहीं लगाना चाहते थे। आज प्रकाश मेहरा की डेथ एनिवर्सरी है, आइए जानते हैं उनकी फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अमिताभ बच्चन से पहले जंजीर को 4 सितारों का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने किसी न किसी कारण से फिल्म को करने से मना कर दिया। इसके बाद यह फिल्म अमिताभ बच्चन के खाते में गई थी। जंजीर में मुख्य रोल के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके भाई अजीत, जो फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे, उनका मेहरा के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद दिलीप कुमार को यह फिल्म ऑफर किया गया, लेकिन उन्हें लगा इस फिल्म में कैरेक्टर के पास करने के लिए कुछ खास नहीं है और इस कैरेक्टर का परफॉर्मेंस लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। प्रकाश मेहरा ने देव आनंद को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया। इस दौरान देव आनंद को लगा कि जिस तरह से इस किरदार को लिखा गया है उस पर वो फिट नहीं बैठते, इसलिए उन्होंने फिल्म में कुछ बदलाव करने के लिए कहा। फिल्म में कुछ रोमांटिक सॉन्ग डालने के लिए कहा था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिससे वो भी इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। इसके बाद यह फिल्म राजकुमार के पास गई, जो पहले इंस्पेक्टर के रोल के बारे में सुनकर काफी इम्प्रेस हो गए, बावजूद उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। इसके पीछे का कारण बताया गया कि राजकुमार को प्रकाश के बालों में लगे तेल की खुशबू पसंद नहीं थी और शूटिंग के दौरान उन्हें प्रकाश मेहरा के साथ टाइम बिताना पड़ता, सिर्फ यही वजह से उन्होंने प्रकाश को ना कर दिया।